नमस्कार दोस्तों, मैंने आज खरीदी किया है वीवो का फोन। जो वीवो ने नया फोन लॉन्च किया था वीवो V27, और मैंने इस फोन को फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किया है और ये फोन मुझे अभी डिलीवर्ड भी हो गया है। और ये फोन ओपन बॉक्स डिलीवरी था, इसके कारण मैंने इसको ओपन भी कर लिया है। लेकिन इस फोन को ओपन करने के बाद मैं फिर से इसको पैक कर दिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे कि इस फोन के अंदर जो है वो बॉक्स में क्या क्या चीज मिलती है और इस फोन में क्या क्या फीचर्स है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस बात का भी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये फोन में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या अच्छे चीजें हैं और क्या क्या जो है वो डिसअपॉइंट है, जिससे लेना नहीं चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ GoPro से, GoPro 9 से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो का क्वालिटी देखिएगा, और फिर मैं जो है वो फोन से भी वीडियो को शूट करूंगा, जो कि मैं आपको अपडेट करता रहूंगा आगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं कहां से ये कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मैंने टारगेट रखा है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस फोन को जो है वो अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इसके अंदर जो बॉक्स में है वो बॉक्स में मुझे क्या क्या चीज मिली है, और फिर बाद में आपको मैं बिल भी दिखाऊंगा कि ये फोन जो है मुझे कितने में पड़ा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स, और इस बॉक्स में पैक था ये फोन, और ये हमारा बिल है। आगे वीडियो में आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूं। और कुछ देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये फोन है, और फोन को मैंने अनबॉक्स कर लिया है, सील जो है वो रिमूव कर लिया है। फोन को हमने कर लिया है अनबॉक्स और प्रॉपर्ली सेटअप भी कर लिया है हमारे फोन को। और फोन के अंदर जो मिलने वाली चीजें हैं वो देख लीजिए, ये बैक कवर मिलेगा आपको, बाकी ये सब फालतू चीजें हैं। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है और इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन का एक पुस्तक दिया हुआ है। ये चार्जर है, 66 वाट का चार्जर है, और ये फास्ट चार्जिंग कर देता है फोन को, 35 मिनट में पूरा फुल कर देगा आपको 0 से 100 तक। बाकी ये डाटा केबल मिलता है, एक अच्छा खासा डाटा केबल। यहाँ पे पिन इंजेक्टर है जो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, और इसके अंदर हमारा फोन पैक था, और हमने फोन को कर लिया है रिमूव और फोन को प्रॉपर्ली सेटअप भी कर लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। मैं कुछ इस प्रकार से फोन को सेटअप कर लिया है, और मैंने लॉक भी लगा दिया है फोन को। लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात क्या है इस फोन में, जो अभी तक मुझे फोन अनलॉक करने में लगी। मैंने फिंगरप्रिंट पे फोन को सेटअप किया है, और फिंगरप्रिंट कितने सेकंड में फोन को रिमूव करती है वो आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, अभी मैंने फिंगरप्रिंट यूज भी नहीं किया है इसमें, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने फिंगरप्रिंट लगा के रखा है। और कुछ इस प्रकार से हमारा जो फोन है वो फोन, ये देख लीजिए, अभी मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ फिंगरप्रिंट से, और जैसे ही मैं इसको टच करूंगा वैसे ही ये फोन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो ये देख लीजिए, पहले फिंगरप्रिंट्स मैं रिमूव करता हूँ, फिर बाद में फेस लॉक का यूज करूंगा। ये देख लीजिए, मैंने अभी फोन को टच किया और ये रिमूव हो गया। जी दोस्तों, ये एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये टच किया और रिमूव हो गया, मतलब बहुत ही कम सेकंड है, मतलब 0.01 सेकंड बोल सकते हैं, जो है वो फेस लॉक की मदद से फोन को रिमूव करूंगा। और ये लॉक रिमूव हो गया, देख लीजिए दोस्तों, अभी मैं लॉक करता हूँ, ये लॉक और ये रिमूव हो गया। तो फोन जो है वो काफी स्लिम दिखाई दे रही है, एकदम स्लिम बोले तो बहुत ज्यादा स्लिम है फोन, और ऐसा लग रहा है कि कब ये हाथ से स्लिप कर जाएगा। और मतलब इतना सॉफ्ट फोन, इतना स्लिम पीस मैंने पहली बार यूज किया है। और इसका जो डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें जो डिस्प्ले है वो क्वाड डिस्प्ले दिया हुआ है, और डिस्प्ले का डिजाइन काफ़ी हद तक बहुत ही बेटर है। और इसमें जो कैमरा है, कैमरे का लुक भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें जो लाइट है, ऑरा लाइट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो तीन कैमरे का सेटअप है वो सबके कैमरे के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बात कर लूँगा, और आपको मैं फोटो और वीडियो भी इस फोन से शूट करके दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, 24,922 रुपये में। जी दोस्तों, मैंने इस फोन को परचेस किया था 24,922 रुपये में, और इस फोन में जो एक खास चीज़ें जो दी जानी चाहिए थी वो चीज़ें मुझे मिली नहीं है। ये है 3.5 mm का जो जैक रहता है यहाँ पे ऑडियो, जिससे हम हेडफोन लगा के ऑडियो सुन सकते हैं, वो 3.5 mm का जैक हमें मिला नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है लगाने का। उसके नीचे ही आपको यहाँ पे सिम कार्ड निकालने का और लगाने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो स्पीकर, और यहाँ पे एक छोटा सा माइक है, उसके ऊपर में भी एक माइक दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, और यहाँ पे लॉक का भी बटन दिया हुआ है। बाकी ये फोन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब फोन के अंदर का जो फीचर्स है वो फीचर्स मैं आपको दिखा दूँ, उससे पहले मैं इसी फोन से आपको एक छोटा सा वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। इसके आगे जो आप वीडियो देखेंगे आप इसी फोन से देखेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये हमारा GoPro 9 का वीडियो था, तो दोनों में वीडियो की क्वालिटी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एक ब्लॉगिंग कैमरा लेना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप फोटोग्राफी का ज़्यादा शौकीन है तो आपको फ़ोन लेना चाहिए या फिर GoPro लेना चाहिए, इससे भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा जानकारी मैं आपको इसके कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैमरा है हमारा, ये कैमरा को हमने फ्रंट कैमरा चालू कर लिया है, और फ्रंट भी इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये
अभी मैं बैक कैमरे को ऑन कर लेता हूँ और ये कुछ इस प्रकार से बैक कैमरा दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए। और ये अभी जो बैक कैमरा है वो मैंने चालू कर लिया है। इसमें ऑप्शन क्या क्या उपलब्ध हो जाती है बैक कैमरे में, ये देख लीजिए। यहाँ पे नाइट मोड है जो आप नाइट में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पे फोटो मोड आ जाता है, यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे माइक्रो मूवी का ऑप्शन है। यहाँ पे माइक्रो मूवी में आप वीडियो को शूट कर सकते हैं, मतलब छोटा सा वीडियो आप बना सकते हैं, जिस प्रकार से आप वीडियो चाहिए उस प्रकार से हिसाब से आप बना सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोर के ऑप्शन में जैसे यहाँ पे ड्यूल व्यू का ऑप्शन है, ड्यूल व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ड्यूल व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारा जो है वो बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों चालू हो चुका है। जिससे क्या होता है कि अगर आप वीडियो को शूट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वीडियो को शूट करने में, और ब्लॉगिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हद तक कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा चालू है, देख लीजिए। यहाँ पे आप इसको साइज जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्रंट कैमरे का, बाकी बैक कैमरे का जो है वो आप साइज़ कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो है बैक कैमरा जो है वो छोटा व्यू में आ जाएगा और फ्रंट कैमरा जो है बड़े व्यू में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। और ये जो जूम है वो जूम काफ़ी ज़्यादा हद तक करती है, ये 10x तक जूम करती है फ़ोन, और जूम का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बेटर है, देख लीजिए। और वीडियो की क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी दिख नज़र आ रही है, लेकिन आपको मैं आगे की वीडियो में इसकी जो और भी बेटर क्वालिटी है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करना। तो भैया अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारे मोबाइल का फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट हो रहा है, वीवो V27 से, और इसमें जो है वो नॉइज कैंसलेशन को मैंने ऑन कर रखा है। और नॉइज कैंसलेशन ऑन होने के बाद देख सकते हैं कितना जो बाहर की जो भी साउंड्स है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और अभी मैं नॉइज कैंसलेशन को ऑफ करूंगा और आपको पता चलेगा कि बाहर की जो साउंड है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को, अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो मैं अभी नॉइज कैंसलेशन जो है वो मैंने ऑफ कर दिया है और हल्का थोड़ा बहुत आप लोगों को फर्क महसूस हो रहा होगा। और मैं फिर से अभी नॉइज कैंसलेशन को ऑन करता हूं और ये देख लीजिए मैं नॉइज कैंसलेशन को ऑन कर लिया है। और यहां जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का जो वॉयस है वो मेंटेन करता है ये फोन। तो ब्लॉगिंग करने वाले के लिए ये सबसे बेस्ट फोन मैं बोल सकता हूँ वीवो V27 जो इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपको ड्यूअल मोड चाहिए तो इसमें ड्यूअल मोड भी दिया हुआ है। तो ये अभी हमने जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये वीडियो 1080 60 FPS पे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको बैक कैमरे का शूटिंग दिखा रहा हूँ कि बैक कैमरे जो है वो कैसा शूट करता है। तो चलिए मैं बैक कैमरे को भी ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस जी कुछ इस प्रकार से ये बैक कैमरे का सीन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक कैमरे का। और ये जो बैक कैमरा है वो कितना क्लियरली मेंटेन करता है, मतलब बोले तो DSLR भी फेल है दोस्तों। ये कितना जो है वो सब्जेक्ट को कितना मेंटेन कर रहा है वो आप देख सकते हैं। जो नेचर है वो नेचर को भी कितना क्लियरली दिखा रहा है वहां पे देख लीजिए दूर में। यहाँ पे मैं आपको जूम भी करके दिखा रहा हूँ कि ये जो जूम है अभी 1.2 पे था, और ये जो जूम है वो देख लीजिए, ये जूमिंग में करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जूम कुछ इस प्रकार से जूम करता है फोन, और जूम भी काफी बेटर करता है। उसके बाद इस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं। और ये जो है नॉइज कैंसलेशन बिल्कुल भी ऑफ है, यहाँ से बैक कैमरे में भी ऑप्शन सेम दिया हुआ है नॉइज कैंसलेशन को ऑन करने का। तो मैं इसमें नॉइज कैंसलेशन भी ऑन कर लेता हूँ, और अभी मैंने नॉइज कैंसलेशन को ऑन कर लिया है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो साउंड है वो बिल्कुल भी कम गई होगी, साउंड जो आउटर साउंड है वो बिल्कुल भी कम आती है। ये वीडियो जो है वो 1080 60 PP वीडियो शूट हो रहा है और नॉइज कैंसलेशन जो है वो बिल्कुल ऑन है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफी हद तक पसंद आया होगा। और अगर आप वीवो का फोन लेने का सोच रहे हैं तो वीवो V27 आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप इसमें जो है वो गेम के पर्पज से आप ले रहे हैं तो मतलब गेम नहीं खेल सकते हैं इसमें। गेम खेल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गेम अगर खेलना चाहते हैं तो आप दूसरा फोन भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप बिल्कुल भी इस फोन को यूज कर सकते हैं। ये फोन जो है वो आपको 33,000 इसका जो है वो बेसिक जो प्राइस है वो प्राइस है 33,000, लेकिन मैंने इस फोन को 25,000 में परचेस किया है। और इस फोन को मैंने परचेस करते वक्त हमारा जो वीवो का पुराना वाला फोन था वो मैंने एक्सचेंज किया था, तो अराउंड उसमें जो है वो कुछ पैसे कम हो गए। फिर बाद में मैंने कार्ड यूज किया तो HDFC और एक्सिस बैंक का कार्ड जो है वो इसमें ऑफर रहता ही रहता है, तो आपको उसमें 1500 से 2000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। फिलहाल आप फ्लिपकार्ट पे चेक करते रहें, आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके हिसाब से प्राइज आ गया है तो आप बुक कर ले फोन को। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त जो है वो ये फोन खरीदी करने वाले होंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।